previously on Twisted. तुम्हारा और ईशान शर्मा का अफेयर चल रहा है? Come on, Ranbir. क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर होना चाहिए? दो तन्हा लोगों के एक बार फिर तन्हाइयों की दुनिया में खो जाने का वक्त आ गया है. अगर ऐसी बात है तो हमें याद कर लीजिए. अगर याद करना ही है तो पहले यादें वो बनाइए जो भुलाई ना जा सके. मतलब ये कह सकते हैं कि आलिया ने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर. रणबीर अगर हमारी कहानी बयां करेगा तो कुछ इस तरह ही करेगा. मैं जानती थी कि पुलिस रणबीर से पूछताछ कर रही है और मैं ये भी जानती थी कि इस पूछताछ के दो परिणाम हो सकते हैं. एक, वो रणबीर से पूछताछ खत्म करने के बाद मेरे पास आती. इसका मतलब ये होता कि वो रणबीर के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए आई है. और दूसरा रिजल्ट ये होता कि वो रणबीर के इंटेरोगेशन के दौरान मेरे पास आती. इसका मतलब ये कि पुलिस को रणबीर की बातों पर एतबार होने लगा है और अब शक मुझ पर भी पड़ने लगा है. जब इंस्पेक्टर दिशा अग्रवाल इंस्पेक्टर आर्यन के बगैर मेरे पास आई तो मैं समझ गई कि रिजल्ट दूसरा वाला निकला है. रणबीर अपनी चाल चलने लगा था और अब मुझे भी अपनी चाल चलनी थी. कैसी ये आग है, बुझे ना मिटे ना थमे ना कभी, ये कैसी प्यास है. तो मिस आलिया, हमने काफी लोगों से पूछताछ की और वही फैक्ट्स हम आपसे डबल चेक करना चाहेंगे. श्योर. रणबीर आपको आपके घर छोड़ने गया तो आपने रणबीर को अपने घर आने के लिए कहा था, इज दैट राइट? ये कैसी आस है. रॉन्ग. This is not what happened. But why am I not surprised? Ranbir agar hamari kahani bayan karega to kuch is tarah hi karega. Poor chap. To aapke nazariye se kya hua tha? Zara batayenge? Thank you for the drink and now. Thank you for the ride. काश तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर होता, कोई दूसरे शहर में. तुम्हें घर छोड़ने के बहाने रात तो कट जाती. आई एग्री, रातें लंबी होती हैं, पर लंबी रातों की भी सुबह जरूर होती है. डोंट वरी, यू विल बी फाइन. तो यहाँ बैठकर इंतजार कर लूँ सुबह होने का? तुम्हारे साथ ना सही, तुम्हारे आसपास तो रहूंगा. रियली ना, कम ऑन, इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं. ओके, तो मेरी सैडनेस दूर करने में मेरी मदद तो कर सकती हो? मेरी तन्हाई का इलाज नहीं कर सकती तो ना सही, कुछ वक्त बिताने में मेरी मदद तो कर सकती हो? वेल, आई गेस आई कैन. कॉफी? थैंक यू. सिट. नो. दिन में ऑफिस, फिर घर जाकर ड्रग एडिक्ट पीवी की बकवास बर्दाश्त करो. तुम उसको रिहाब में क्यों नहीं डालते हो? मैन, इट्स फॉर हर ओन गुड, राइट? चाहती नहीं है, और जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना. किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए खुद उस एडिक्शन से बाहर निकलने की चाह होनी बहुत जरूरी है. जब तक वो खुद नहीं चाहेगी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आई एग्री. तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? यू फाइंड मी अट्रैक्टिव, आई कैन सी दैट. रणबीर, मैं कोई वो प्राइज नहीं हूं जो बच्चों को रेस में फिफ्थ या सिक्स्थ आने के लिए दिया जाता है. नॉट अ कॉन्सोलेशन प्राइज बेसिकली. आई एम द फर्स्ट प्राइज. सो इफ यू केयर अबाउट मी, यू वांट टू बी विद मी, आई हैव गॉट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो? कार में तुम्ही ने सिर्फ एक तन्हा रात बिताने की बात की थी ना. तन्हा जिंदगी बिताने के लिए बोलते तो बात कुछ और होती. One more thing. I fuck for love. For lust. But I don't fuck for charity.
इवेंचुअली हुआ क्या? आपने सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे कॉफ़ी पिलाई या फिर एक अच्छे दोस्त की तरह रात गुजारने में उसकी मदद की? ना ही और कॉफ़ी पिलाई, ना ही और दोस्ती जताई। मतलब रणबीर रात भर आपके साथ नहीं थे? एब्सोल्युटली नॉट। इतना ब्लंट होकर मैंने उसको जो कुछ भी बोला था, इट ऑब्वियसली लेफ्ट हिम एम्बैरस्ड एंड ऑकवर्ड। ही लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल। आई सी। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? श्योर। लोग कहते हैं पुलिस वाले टॉर्चर कर करके सवाल पूछते हैं, कितना गलत है। लीजिए बिरयानी खाइए। हम यहां खाने नहीं आए हैं, ना सीआईडी वालों की रेपुटेशन सही करने आए हैं। सो प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, लोग तो बाकायदा गिरफ्तार हो जाते हैं इस बिरयानी खाने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी। एनीवेज मिस्टर रायचंद, आप बता रहे थे कि आपकी बीवी हॉस्पिटल में थी। जी, और उसके अगले दिन मैं उसे मिलने हॉस्पिटल गया। उसकी ड्रग की हैबिट थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसके बारे में कुछ करना जरूरी हो गया था। मिसेस नैना रायचंद, आप पे दो केसेस बनते हैं, यूज ऑफ हार्ड ड्रग्स एंड सुसाइड, और ये दोनों ही ऑफेंसेस बड़े सीवियर ऑफेंसेस हैं। आई होप यू रियलाइज दैट। आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम श्योर। इसलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप स्टूपिड ना बनकर समझदारी से काम लें। What do you mean? Actually, Mrs. Raichand, हम आपको अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन आपके हस्बैंड ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना करें, पर हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है, लेकिन एक शर्त पे। यहाँ से डिस्चार्ज लेते ही आप सीधा ड्रग रिहैब सेंटर जाएंगी, और वहाँ तब तक रहेंगी जब तक इस ड्रग का इफेक्ट आपके बॉडी से चला ना जाए। एंड यू हैव टू साइन एन एफिडेविट फॉर दैट। तो आपका मतलब है अगर मैं रिहैब नहीं गई तो आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे? अनफॉर्चुनेटली यस। आपने सही कहा था मिसेस रायचंद, यू आर नॉट स्टूपिड। You did this, right? No. The cops wanted to. Shut up! The cops didn't even know about it. It was you! You don't understand. I just want you to feel better. I hate you, bastard. I just hate you from the bottom of my heart. मिस्टर परजानिया, मिस्टर रायचंद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप मुझसे मिलने आए, सो नाइस ऑफ यू, रियली अप्रिशिएट इट। ऑफ कोर्स, वैसे भी बहुत समय से आपके साथ काम करने के सिलसिले में सोच ही रहा था, एंड फाइनली, बाय द वे, शी इज नेहा, माय असिस्टेंट। हाय, नाइस टू मीट यू। हेलो, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। यस सर, थैंक यू। कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी? या ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ओके, सबसे पहले हम साथ में किस तरह काम कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी बना ले। इट इज सो एक्साइटिंग नेहा, आई वांट एवरी डिटेल। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट, मिस्टर परजानिया,
मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ये जानकर आप शायद थोड़े हैरान हो जाएंगे। What do you mean? मैंने आपको यहाँ किसी एड फिल्म के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आलिया मुखर्जी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। रायचंद, ये आपने ठीक नहीं किया। You could have told me the truth. I know. I'm sorry. पर अगर मैं आपसे ये बोलता कि मुझे आपसे मॉलेस्टेशन केस के बारे में बात करनी है, तो शायद आप यहाँ मुझसे मिलने कभी नहीं आते। और मुझे इसके बारे में सब सच जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, since I'm here, हम ये बात कर सकते हैं। उसके पहले मुझे ये जानना है, मिस्टर राइचंद, ये केस के बारे में जानना आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? Why? You see, उसने मेरे लिए एक एड फिल्म की है, मेरी वॉचेस के ब्रांड के लिए। और इससे पहले कि वो एड फिल्म रिलीज हो, आई'd like to know if she has a clean reputation. क्योंकि एक बार वो मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन गई और उसके बाद गॉड फॉरबिड कुछ गलत हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर रायचंद, जरा बेतुका एक्सक्यूज दिया आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ सच बताऊं। आलिया मुखर्जी, मैंने उसे कभी बुरी नजर से नहीं देखा, नेवर। बहुत एम्बिशियस लड़की, लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता। जब वो मेरे पास आई ना मिस्टर राय जी, उसे कोई नहीं जानता था। मेरे साथ पहले ऐड की उसने और उसके बाद मुझे पे मॉलेस्टेशन का इतना बड़ा केस कर दिया। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई मिस्टर रायचंद ये साबित करने में क्या मैं इनोसेंट। ओवरनाइट स्टार बनने के लिए उस लड़के ने मुझे यूज किया, यही सच है मिस्टर रायचंद। यू कैन आस्क, ये सब जब हुआ ना तभी मेरे साथ थी। यस मिस्टर रायचंद, ये सच है, उसने सब झूठ कहा। मिस्टर रायचंद, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, जस्ट बी वेरी केयरफुल। उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, आपको भी बर्बाद कर देगी। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर। यू नो बॉयज, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, आई थिंक दिन ब दिन कमाल की होती जा रही है, especially in the field of medicine. You know, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में नैनो सेल मिलेंगे। I agree, sir. Excuse me, sir. क्या पैकेट आपके लिए आया है? हाँ तो रख दो ना मेरे कैबिन में। Actually, sir, एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके हाथ में डिलीवर करे। कौन लेडी? पता नहीं सर। Guys, I need to read this. You'll just excuse me. मैं आपसे कल मिली थी मिस्टर परजानिया के साथ। आप मुझे अच्छे इंसान लगे, मुझे लगता है आपका सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी लड़कियों ने काफ़ी कुछ चाहा है चुप रहकर, इससे ज़्यादा और इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगी। बाकी पता लगाना आपका काम है। This is crazy, seriously. You seen that? What? एक और राउंड ऑर्डर करते हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। एंड नो, आई डोंट नीड यू टू बाय मी अ ड्रिंक। मुझे लगा ड्रिंक्स के बहाने और मेन पॉइंट की बात करने से पहले थोड़ी बेफजूल की बात हो जाती, बट अब लगता है उसका कोई चांस नहीं है। सो लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट?
आप हैं कौन? मेरा नाम रणबीर रायचंद है। I am the owner of Dubash Industries. Ah, I know you. और मैं भी आपको जानता हूँ। निशा ठाकुर, marketing and sales, Bancroft Bailey Private Limited. Right? तो ये मजा यहीं तक था। परजानिया, क्या उसने तुम्हारे साथ सच में बदतमीजी की थी? This is it. इससे पहले कि आप कुछ गलत बोले, हमें इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं भी यहाँ बकवास करने नहीं आया हूँ। This is important to me. कि तुम्हें कैसे मिला? पॉइंट ये नहीं है। तो क्या पॉइंट है? मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो चुप रहकर उसका जवाब दे सकती हो। I'm listening. अगर परजानिया ने तुम्हें सच में मॉलेस्ट किया है तो चुप रहना, कुछ मत कहना। थैंक यू। मैं जैसे कोई क्रॉस रोड्स पर था। एक तरफ आलिया ने मुझे परेशान करके रखा था और दूसरी तरफ वो मुझे अच्छी भी लगने लगी थी। शी वॉज रियली मिस्टीरियस। मैं सोचने लगा, क्या ये वो लड़की है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, या फिर वो मेरे साथ किसी तरह का खेल खेल रही थी। Sir, model Alia Mukherjee has come to see you. Oh. Okay. Please उन्हें मेरी कैबिन में बिठाइए। Hey Alia. What's up? Everything okay? Oh my God. ये कैसे हुआ? किसने किया ये? My ex-boyfriend. मैं 6 महीने पहले उससे ब्रेकअप कर चुकी थी, पर वो अभी भी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था। I'm no more interested in him. कौन है ये? हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। This is very serious. No, Ranveer, we can't do this. I'm really scared. मैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं कंट्री छोड़ रही हूँ थोड़े दिनों में, और उसके पीछे से आई डोंट वांट एनीथिंग जिससे बाद में मुझे ही प्रॉब्लम हो। यू नो व्हाट आई मीन? तो बताओ मुझे, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू? आई हैव अ शो इन पेरिस, सो आई विल एनीवे बी लीविंग द कंट्री, बट उससे पहले मुझे उस आदमी से बचने के लिए एक जगह दिलवा दो रणबीर। यू नो मैं वैसे ही जाने वाली हूँ यहाँ से, तो बाद में आराम से आ जाऊंगी, बट राइट नाउ आई हैव टू हाइड। डू यू थिंक यू कैन हेल्प मी? ओके, I have a flat. शहर से थोड़ा दूर है। You can stay there. You'll be safe there. You sure? Yes, of course. मैं नहीं चाहता कि तुम उसी जगह पर वापस जाओ और वो पागल आदमी तुम्हें ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाए। Thank you, Ranveer. Thank you so much. Don't worry. एक मिनट मिस्टर रायचंद, थोड़ा क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपका कहना है कि आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह फिजिकली अब्यूज किया और वो आपके पास आई और आपने उसकी मदद की? या दैट इज करेक्ट। अरे तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए आप? आफ्टर ऑल पुलिस का तो काम ही है ना लोगों की सुरक्षा करना। क्योंकि शी वाज स्कैर्ड। उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास काफी सारे पब्स हैं और पुलिस वालों और पॉलिटिशियंस के साथ उसकी जान पहचान है। आई सी। एंड आई थिंक यू ऑल्सो सी कि हर पुलिस वाला और पॉलिटिशियन आपकी तरह सच्चा नहीं होता। बहस तो कर सकते हैं इस पे, पर हम करेंगे नहीं। बिरयानी तो खाई नहीं आपने, कम से कम चाय ही पी लीजिए। तो आलिया, उस दिन के बाद आप रणबीर से दोबारा कहां मिले?
आई थिंक हम दोनों किसी फाइव स्टार होटल की लॉबी में टकराए थे। अच्छा, तो ये सच नहीं है कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड ने आपको मैन हैंडल किया था और आप मदद के लिए रणबीर के पास गई थी? बिल्कुल झूठ है ये। हाँ, ये सच है कि मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था एंड दैट ही बीट मी अप एंड आई वाज स्कैर्ड, पर मैं रणबीर के पास मदद मांगने नहीं गई थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसने उस दिन जब मुझे होटल लॉबी में देखा, ही इंसिस्टेड दैट आई हैव कॉफी विद हिम, और जब मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ही बेग्ड मी टू अलाउ हिम टू हेल्प मी। तो बेसिकली आपने उसे अपनी मदद करने की इजाजत दे दी? यस, एंड ऑनेस्टली दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। यू नो, चाइनीज में एक कहावत है, जो दरवाजा खटखटाने से पहले खुल जाए उस दरवाजे की दहलीज को कभी पार नहीं करना चाहिए। मैंने पार कर दी। अगर उस दिन मैं रणबीर की अच्छाई पर विश्वास न करती तो शायद चीजें आज बहुत अलग होती, शायद नैना रायचंद आज जिंदा होती। हेलो एवरीवन, इफ यू लाइक द शो, इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज press like, please share, and please click on that little red and white button and hit subscribe. Your subscription will allow us to make many more entertaining programs for you. Thank you.